इट्स नाइन न्यूज़, मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम टीवी गपशप में। जानते हैं आप कि मैं जब भी आती हूँ तो बहुत सारी गपशप आपके साथ करती हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि भाई आप सभी के टीवी टाउन में क्या कुछ नए, क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न सीरियल्स में आ रहे हैं, क्या कुछ गॉसिप का कौन सा सीरियल कारण बना हुआ है। बता दें आपको, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बेपनाह की। बेपनाह जब से टेलीकास्ट हुआ है तब से देखा जा रहा है कि फैंस की एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि भाई आने वाले ट्रैक में उन्हें क्या कुछ नया, क्या कुछ दिलचस्प दिखेगा। हम आपको बताएंगे कि आपको करंट ट्रैक में क्या कुछ चल रहा है। अगर आपसे करंट ट्रैक मिस हो चुका है तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ गपशप ही करने के लिए, जहाँ पर मैं करंट ट्रैक की बात करूंगी। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शो की कहानी में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, आप जानेंगे कि आखिरकार पूरी कहानी में काफी लंबा लीप भी आएगा, जिसके बाद जोया और आदित्य की मुलाकात फिर से होगी एक नई स्टोरी के साथ। क्या पूरी रिपोर्ट है, देखिए आप हमारे इस खास पेशकश में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट सीरियल बेपनाह की कहानी को लेकर मैं हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि मैं जब भी ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ तो मैं आपको बेपनाह से जुड़ी सारी अपडेट्स देती हूँ, करंट ट्रैक की बात करती हूँ, साथ ही साथ आने वाले नए ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको सीरियल में कौन से नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने करंट ट्रैक को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ आप सभी को करंट ट्रैक की कहानी बताने के लिए, जहाँ पर मैं आपको करंट ट्रैक से ही चलिए शुरुआत करती हूँ। आपको बता दें कि बेपनाह में फिलहाल करंट ट्रैक में कुछ ऐसा चल रहा है कि आदित्य के सामने पूजा की डायरी आ गई है, जहाँ पर पूजा की मम्मी साक्षी ने आदित्य के सामने वो सच्चाइयों को रखा है जिससे मानो आदित्य काफी ज्यादा परेशान होते भी दिखे। आदित्य काफी ज्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में भी चले गए हैं कि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में जो कमियां रह गई थी, जिससे पूजा ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो कहीं ना कहीं आदित्य में ही थी। दरअसल साक्षी ने तमाम बातों का जिक्र किया जिससे मानो आदित्य को ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत था। साथ ही साथ जब देखा गया कि जब आदित्य अपने कमरे में जाते हैं तब वहां पर वो पूजा की डायरी को पढ़ने से पहले उनको अपना और पूजा का एक किस्सा याद आ जाता है, जहां पर वो पहले भी पूजा की डायरी को पढ़ना चाहते थे मगर पूजा उनको रोक देती है। आदित्य जैसे ही उन डायरी को खोलता है, उस डायरी में पूजा की पूरी जिंदगी के बारे में जिक्र किया होता है, जो पूजा आए दिन लिखती थी कि उनके साथ क्या कुछ होता है। साथ ही साथ धीरे धीरे आदित्य उस डायरी को पढ़ता रहता है, मगर आगे जाके जहां पूजा अपने और यश के रिश्ते की बात करने लगती है, तब आदित्य समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां रह चुकी हैं वो आदि के तरफ से ही हैं। उसके बाद आदित्य एक फैसला लेता है कि वो फौरन ही कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर वो केस को बंद करवा देता है, जहां पर वो ये कहता दिखा है कि हमें इस केस के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं करनी। साथ ही साथ अचानक से ही अर्जुन जो है वो पूजा को फोन करके सारी बात की जानकारी देता हुआ भी यहाँ पर नजर आया, जहाँ पर जोया भी अचानक से पहुंच जाती है और अर्जुन और जोया जो हैं वो बार बारी आदि से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जज साहब को क्या कहा। आपको बता दें, आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर आदित्य जो हैं वो जोया को ये कहेंगे कि मैं समझ चुका हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती थी। साथ ही साथ आने वाले ट्रैक में आपको ये भी पता लगेगा, पहले आदित्य जोया की उस अंगूठी को भी वापस करेंगे। अगर आपको थोड़ा पीछे लेके चले तो बता दें, एक बारी जब जोया के सामने यश की सच्चाई सामने आती है तब वो काफी ज्यादा टूट
जाती हैं और सड़क पे ऐसे ही भागने लगती हैं। तब अचानक से जोया की अंगूठी हाथ की गिर जाती है और उस अंगूठी को और कोई नहीं आदित्य संभाल के रखते हैं, जहां पर वो एक बार फिर से जोया को वो अंगूठी देते हैं और यहां पर वो कहते हैं कि ये अंगूठी तुम्हारी नहीं पूजा की थी, क्योंकि इस अंगूठी में पूजा का ही नाम लिखा है। तब अचानक से ही जोया और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब आप देखेंगे कि आदि और जोया दोनों मिलके ही एक नदी के किनारे पूजा और यश की फोटो पर उस अंगूठी को रख के उन्हें बहा देंगे। यहाँ पर पूजा और यश का चैप्टर कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा। और अब कहानी में जो ट्विस्ट आएगा वो ये है कि सीरियल में 2 साल का लीप आने वाला है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सीरियल में 2 साल का लीप आएगा और उन 2 साल की जर्नी में आदित्य और जोया एक बारी भी दूजे से नहीं मिलेंगे। दोनों की राहें बदल जाएंगी, मगर दोबारा से जब 2 साल का लीप खत्म होगा और एक नई कहानी शुरू होगी तो जोया और आदित्य के बीच की ट्विनिंग दिखाई जाएगी। आदित्य और जोया के बीच जो है अब प्यार की नई लहर दिखाई जाएगी, क्योंकि यश और पूजा की जो कहानी का एंड ये दोनों अब कर चुके हैं, मगर अभी तक फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस रात का क्या सच था, आखिरकार वो किसने पूजा और यश की हत्या की थी। अब ये जो सेकंड दिखाया जाएगा, ये जो सेकंड अब स्टेज आएगी पूरे सीरियल में लीप के बाद की, उसमें पता लगेगा मिस्टर हुडा की सच्चाई जो आदि के सामने आ जाएगी। कहानी में बेहद ही ज्यादा नए ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे लीप के बाद और ये देखना काफी ज्यादा भी दिलचस्प रहेगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। So well, आपने फाइनली देखा, हमने आपको आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम टीवी गपशप में दिखाया कि भाई आखिरकार क्या कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपने करंट ट्रैक की पहले कहानी जानी, जहां पर पूजा की मम्मी जो साक्षी है वो आदित्य को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाती है जिसके बाद आदित्य मानो समझ चुका है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं उसकी भी गलतियां रही हैं, जिसके चलते पूजा ने यश के साथ अपना अफेयर किया। वो समझ चुका है उस डायरी में पढ़ के जो पूजा अक्सर लिखा करती थी, उसने तमाम बातों को अपने शेयर किया, अपनी जिंदगी को, या फिर यूं कहे कि अपनी जिंदगी को ही उस डायरी में पूजा ने लिख डाला। जहां पर जब ये डायरी आदित्य पढ़ते हैं तो आदित्य समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप में दोस्ती ही करते रह गए और प्यार उसको यश से हो गया। हम बता दें आपको, आप देखेंगे कि किस तरह से जोया और आदित्य जो हैं वो दोनों ही यश और पूजा की यादों को एक नदी में बहा देते हैं कि भाई अब तुम दोनों चले जाओ, जहां तुम यहां तो साथ नहीं रह पाए, उस जन्म में तुम जरूर साथ रहो। जिसके बाद कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आएगा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सीरियल में 2 साल का लीप आएगा। लीप के बाद कहानी इस तरह कुछ दिखाई जाएगी जहां पर जोया और आदित्य की मुलाकात फिर से होगी। जहां इतने गैप में जोया और आदित्य की राहें बदल चुकी थी, जहां पर जोया और आदित्य दोनों ही अपने कामों में बिजी हो गए, मगर लीप के बाद कुछ ऐसा फिर से होगा जहां पर पूजा और यश के निधन का उनको पता लगेगा, जहां पर किसने आखिरकार उनका मौत का कातिल कौन है वो आपको सेकंड लीप के बाद दिखाई देगा कि किस तरह से जब 2 साल बाद लीप आएगा तो कहानी में क्या कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स होंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में तो बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मगर नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तब आपसे आपको बताएंगे कि तब क्या कुछ नया चल रहा है और क्या कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं तो चली मगर तमाम अपडेट्स आपको बस नेक्स्ट 9 न्यूज में ही मिलेंगे। टाटा। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर,
कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।